रेखा भूखे गगन के तारे का आखा अंगारे खा भूखे गगन के तारे का हिम्मत तेरी छोटी हिम्मत तेरी छोटी हिम्मत तेरी छोटी हिम्मत तेरी छोटी मर जा मर जा मर जा मर जा बहुत समी का हल्का कर जा मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा जीवन पूंजी खोटी
जीवन पूंजी खोटी, जीवन पूंजी खोटी, जीवन पूंजी खोटी। पिताजी ने तो आपने हार पहनाए ना आशीर्वाद दिया। अरे हाँ हाँ मुनीम जी हार। शर्मा मेरा हार क्या है? चाची जी नमस्ते। खुश रहो खुश रहो बिटिया। सुन डार्लिंग, मेरा मन कहता है मेरा लक्ष्मी जरूर आएगा। तू हरगिज हरगिज शादी न करना। मैं तेरी शादी अपने लक्ष्मी के साथ करूंगी। क्यों तारा चंद्री? हाँ हाँ चाची। चलना बाहर का इंतजार लीजिए। ऐसे सो रहे हो जैसे ये फुटपाथ तुम्हारे बाप का है। मगर तुम कहोगे कि फिर हम सोए कहाँ, घर नहीं। मैं कहूंगा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, गधे हो। देखते नहीं इतना बड़ा मकान सामने मौजूद है, आखिर इसमें जाकर क्यों नहीं सोते? इस मकान में सिर्फ एक ही आदमी रहता है, और एक आदमी को इतने बड़े मकान में रहने का कोई हक नहीं है, समझे? अच्छा खैर, आज तो सो रहो मगर कल से उस मकान में जाकर सोना। कल से मैं तुमको यहां ना देखूं। किसी को अपना हक तक मालूम नहीं है। सो रहो पड़े रहो। आज फिर आप घात करने जा रहे हो? बुलाऊं पुलिस को? बजाऊं सीटी? नहीं, डरते हो? मैं कहता हूं तुम्हारी बुद्धि खास खा गई है। इतना नहीं समझते कि अभी तुमको मरना नहीं है। मरना नहीं है, इससे पहले दो दफा तुम आपघात करने की कोशिश कर चुके हो और आज फिर। ओ, ये अकड़, आदमी खानदानी मालूम होते हो। भूख में गुस्सा बहुत आता है। क्यों उस्ताद? तुम्हें कैसे मालूम होगा कि मैं भूखा हूं? रोटी खाओगे? रोटी है? रोटी खाओ। लो खाओ रोटी। लो लो खा। क्या तुम एक भूखे आदमी पर भी ऐसा जुल्म कर सकते हो? जुल्म? <जुल्ण? laughs>
जुल्म, जुल्म क्या कोई बुरी चीज है? याद रखो गुरु, पेट भर रोटी भीख मांगने से नहीं मिलती, मेहनत मजदूरी से नहीं मिलती, जुल्म से मिलती है, जुल्म से। देखो शेर जब भूखा होता है तो अपने से कमजोर जानवर पर जुल्म करता है, मारता है और खा जाता है। गाय और भैंस को जब भूख लगती है तो घास और पत्ते खाती है। क्या घास में जान नहीं होती? क्या ये जुल्म नहीं हुआ? ये देखो हिंदुस्तान में 40 करोड़ आदमी बसते हैं, उसमें से सिर्फ 2-3 लाख ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, बाकी कुछ छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, मगर रोटी की शिकायत इन सबको है। इनके अलावा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो भीख मांगता है या बेकारी से तंग आकर भूखों मरता है। क्यों भूखों क्यों मरता है? इसलिए कि उन्हें जुल्म करना नहीं आता, और जिन्हें जुल्म करना आता है वो इन बड़े बड़े मकानों के मालिक हैं, वो बड़ी बड़ी मीलों के सेठ हैं, वो 10-10 मोटरें रखते हैं। पुम 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 पुम। मगर मैंने जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी पर जुल्म नहीं किया। तो चलो मैं तुम्हें जुल्म करना बताऊं। देखो ये सामने वाला बड़ा मकान देखो, इसमें एक 80 बरस की बुढ़िया औरत रहती है, लाखों रुपए इसके पास भरे पड़े हैं। इसका बेटा लक्ष्मीदास 15 बरस हुए मकान से निकल भागा था, मुझे मालूम है वो मर भी चुका। उसकी सूरत तुमसे बहुत मिलती है। ये बुढ़ी अपने बेटे के गम में पागल हो रही है, बस तुम कल ही जाकर उसके बेटे बन जाओ। बाकी किस्सा मैं तुम्हें कल सुबह समझा दूंगा। लो अब रोटी खा लो। मगर मैंने तुम्हें रोटी क्यों दी? ताकि मैं उस बुढ़ी पर जुल्म करूं। हाँ अब तुम बराबर समझ गए, लेकिन अब जुल्म से हाथ कभी ना खींचना, लाखों रुपए मिल जाए तब भी जुल्म ही करते रहना। चाची से कहो कि जब तुम परत तशरीफ लाए हैं जा। कहीं बिठाओगे तो नहीं चाहिए? अरे चाची। अरे मेरा जग्गू तू कहाँ रात में? चाची पहले इनाम दिलाओ इनाम। कुछ बोल तो सही। अरे चाची मैं तुम्हारे लक्ष्मी को लाया हूँ, लक्ष्मी को। मेरा लक्ष्मी? मेरा लक्ष्मी? बता। ये क्या सामने खड़ा है? माँ मेरा बेटा लक्ष्मी। अरे पगले तू कहाँ चला गया था? हाँ अब तो कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं मैं अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा लक्ष्मीदास ये तुम्हारा ऑफिस है। नहीं नहीं बेटा, ये आधा ऑफिस तुम्हारा है और आधा मेरे डार्लिंग का है। बात तो एक ही है, आखिर डार्लिंग कौन है? आपकी होने वाली बहू। चुप रहो तारा चंदी,
ऐसी बातें बच्चों के आगे नहीं करते हैं। तुझे डार्लिंग पसंद है? मुनीम जी, भला ये कौन साहब हैं? क्या तुम लोगों को नहीं मालूम? ये हमारे नए मालिक हैं, चाची जी के बेटे, कोई 15 साल के बाद वापस लौटे। तो इनको भी रोज सलाम करना पड़ेगा? हाँ जी, करना ही पड़ेगा। कोई मजाक है? इस सारे कारोबार के आधे के हिस्सेदार हैं। आधे के क्या, पूरे ही के समझिए, क्योंकि बिटिया के साथ शादी भी तो होने वाली है। शर्मा इधर आओ। जी सरकार। देखो मिस्टर शर्मा, कल मेरे लक्ष्मी का नाम यहाँ लिखवा देना। बहुत अच्छा सरकार। बहुत अच्छा से कोई नहीं, जरूर जरूर लिखवा देना। बहुत अच्छा। हुजूर ने इस एक महीने के अरसे में अंदाजा कर लिया होगा कि जब तक ये बुढ़ा ताराचंद जिंदा है, इस सारे कारोबार पर आपको कब्जा नहीं हो सकता। और इसके अलावा जहां तक मेरा ख्याल है, इस बुढ़े की जिंदगी में डार्लिंग भी आपके काबू में नहीं आ सकती। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये मुझे उनके मुनीम जी से मालूम हुआ। डार्लिंग के ख्यालात आपकी तरफ से अच्छे नहीं। तो इसके मानी ये हुए कि इस बुढ़े को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। अच्छी बात है। चाचा जी, हाँ ये तो आप बता ही चुके हैं कि बैंक में हमारी सिर्फ उतनी ही रकम जमा रहती है जो कारोबार चलाने के लिए जरूरी है। अलावा उसके जो चांदी सोना आपने जमा किया है। हाँ हाँ, वो सब यही मौजूद है। तो देखना चाहते हो? मैं तुम्हें 2-4 रोज में दिखाने ही वाला था। आओ। देखो ये लाखों रुपए का सोना मैंने बरसों की मेहनत में जमा किया है, इसमें आधा तुम्हारा भी है। जब जी चाहे ले जाओ, जी चाहे नहीं रहने दो। हैं? लक्ष्मी, यहाँ से घर 11 बजे गए थे? मैंने कहा ना, मिस्टर लक्ष्मीदास कोई 11 बजे आए थे, बाबूजी और वो बातें करने लगे, उसी वक्त मैं घर चला गया। ड्राइंग रूम में कौन था? मैं था सरकार, मगर वो लोग कुछ बातें कर रहे थे, फिर बाबूजी ने मुझे जाने का इशारा किया और मैं चला गया। क्या बातें कर रहे थे?
सब बातें तो मैंने नहीं सुनी, मगर बाबूजी उन्हें कुछ सोना चांदी दिखाने को कह रहे थे। पिताजी, 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 इस मौत में किसी का हाथ मालूम होता है। मुनीन जी, मौत और जिंदगी में सिवाय ईश्वर के और किसका हाथ हो सकता है? शर्मा को बुलाओ। यस सर। ये क्या है, काम क्यों नहीं हो रहा? सेठ, आज ऑफिस और मिल वगैरह बंद हो जानी चाहिए। क्यों? किसी के मरने जीने से दुनिया का कारोबार नहीं रुक सकता। जाओ काम करो। हुजूर, चाची जी और बाबूजी की अचानक मौत में मुझे एक जबरदस्त हाथ मालूम होता है। लक्ष्मीदास जी, हाँ, सब सबूत मौजूद है। खजाने से चांदी सोने का चोरी हो जाना, दरवाजे का बाहर से बंद होना, लक्ष्मीदास का चोरी से गायब हो जाना, दरबान ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा। यकीनन वो पीछे वाले दरवाजे से गए और उस तरफ मोटर के निशान भी नहीं। मुनीम जी, मैं इन सब बातों पर गौर कर चुकी हूँ। हाँ, और अगर सच पूछिए तो मुझे ये शख्स लक्ष्मीदास मालूम ही नहीं पड़ता। मुझे तो ये कोई बड़ा जबरदस्त बदमाश मालूम पड़ता है। मुनीम जी, मैं बदला जरूर लूंगी। बदला लेने के लिए बड़ी अक्लमंदी और होशियारी की जरूरत है। रुपया अब आपके पास बिल्कुल नहीं, कारोबार सब उसके हाथ में है। आप खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। आपको चाहिए कि आप उसके साथ मिलकर रहिए और अपने ख्याल का जरा भी शक न होने दीजिए और वक्त का इंतजार कीजिए। अच्छी बात। खरीदो। खरीदो। एक लक्ष्मीदास, तुमने तमाम गेहूं खरीद कर जमा कर लिया। अच्छा, जानते हो इसका क्या नतीजा हुआ? अच्छा। मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये मुझे मालूम है, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस। 25,000 गांठ 230। सोने की लालच ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल दिया है, तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है। एक पाप और पुण्य की भी तमीज बाकी नहीं रही। गलत, यूं कहो कि सोने की चमक ने मेरी अकल को चमका दिया, मेरी आंखों की जोत बढ़ा दी, मुझे इस काबिल बना दिया कि आज सारा बाजार मेरी मुट्ठी में है और सेठ प्रेमचंद जैसा नगर सेठ मुझसे भिक्षा मांग रहा है और मैं नहीं दे रहा हूं और न दूंगा। तुम सच कह रहे हो, मैं भिक्षा मांगने आया हूं, किंतु अपने लिए नहीं, अपनी बीवी और बच्चों के लिए। मैं इतना रुपया नहीं दे सकता। ये रुपया अदा करने के बाद मेरे बच्चे रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। मजबूरी, मगर मैं सोने की भिक्षा नहीं दे सकता। ईश्वर के लिए जरा सोचो, मेरी मिलें बंद हो जाएंगी, कारखाने टूट जाएंगे, हजारों मजदूर बेकार हो जाएंगे, उनके बच्चे भूखों मर जाएंगे।
लक्ष्मी दास, तुम पाप कर रहे हो पाप। प्रेमचंद, तुम्हें बिजनेस बिल्कुल नहीं आता। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि सोने के मकान बेवकूफों, कमजोरों और मजदूरों की लाशों पर बनते हैं। लक्ष्मी, क्या तुम बिल्कुल भूल गए? एक दिन तुम्हें भी मरना है और मुझे भी। हाँ, मगर मेरे और तुम्हारे मरने में फर्क है। तुम्हारे हाथ खाली होंगे और मेरी मुट्ठियों में सोना होगा, सोना। तुम्हारी छाती पर मुफलिसी का पांव होगा और मेरी छाती पर सोने की सिलें होंगी, समझे? जाओ। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूं, लेकिन लक्ष्मी दास, याद रखना, सोने की सिलों के साथ साथ इस दुखी बूढ़े प्रेमचंद की आत्मा भी होगी, जो तुम्हें चैन से नहीं मरने देगी। खामोश, दिवाली अपनी औकात से बात कर। गेट अप। हुजूर, सेठ प्रेमचंद ने गोली मार ली। मालूम है, पुलिस को फोन करके लाश जल्द हटवा दो। खड़े क्या हो, जाओ। सोना, सोना किसी को बनाता है, किसी की जान लेता है। चाहे लक्ष्मी दास बना दे और चाहे प्रेमचंद। रहम न खाना, रहम न खाना, है मक्कार जमाना, है मक्कार जमाना, रहम न खाना। रहम न खाना, रहम न खाना, है मक्कार जमाना, है मक्कार जमाना, रहम न खाना। झूठा साधु पहन के आया, दया धर्म का पाना, है मक्कार जमाना, रहम न खाना, रहम न खाना, रहम न खाना। किसी रहम ने तुमको मिटाया, राजपाट सब अपना कमाया। किसी रहम ने तुमको मिटाया, राजपाट सब अपना कमाया। खान ने खोई आन बान, वो दास बने हैराना, है मक्कार जमाना, रहम न खाना। खान ने खोई आन बान, वो दास बने हैराना, है मक्कार जमाना, रहम न खाना। रहम न खाना, रहम न खाना, है मक्कार जमाना, है मक्कार जमाना। या दुर्बल तील ले रोटी, हाथ मरोड़ कर छील ले रोटी। दुखिया दुर्बल तील ले रोटी, हाथ मरोड़ कर छील ले रोटी। भीख मांग कर जीने से तो अच्छा है मर जाना, है मक्कार जमाना, रहम न खाना। भीख मांग कर जीने से तो अच्छा है मर जाना, है मक्कार जमाना, रहम न खाना। रहम न खाना, रहम न खाना, है मक्कार जमाना, है मक्कार जमाना, रहम न खाना। तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा काका, तेरा बाप, मैं तेरा बाप, तेरा बाप। हुजूर, वो मिल मजदूर स्ट्राइक करने पर तैयार है। कहते हैं अनाज का भाव बढ़ता चला जा रहा है, हमें मजदूरी ज्यादा मिलनी चाहिए वरना हम स्ट्राइक कर देंगे। तो क्या किया जाए? हुजूर, मेरे ख्याल में गेहूं का भाव कुछ कम कर देना चाहिए। बेवकूफ, भाव कभी नहीं कम होगा, मगर उन्हें मजदूरी ज्यादा दी जाएगी और गेहूं का भाव और बढ़ा दिया जाएगा, समझे? शर्मा,
जी हुजूर। बाजार में जितना गेहूं बाकी रह गया हो तमाम खरीद लो। मैं बाजार का तमाम गेहूं जमा करके अपने मुंह मांगे दामों पर बेचूंगा और सोना बनाऊंगा, सोना, और वही सोना इन बेवकूफ मजदूरों को इनकी मजदूरी में दूंगा, जिससे वो मेरा गेहूं खरीदेंगे और दुगने दामों पर खरीदेंगे। मैं उन्हें जितना गेहूं दूंगा उससे ज्यादा वो मुझे सोना देंगे। मजदूरी ज्यादा मांगते हैं दो। हुजूर, गरीब लोग इसी भाव में मरे जा रहे हैं, मेरा ख्याल है और ज्यादा भाव न बढ़ाइए। मुनीम जी, मेरी मजदूरी मेरा मुनाफा है। क्या ये बेवकूफ मजदूर समझते हैं कि मैं इनका गुलाम हूं? क्या ये कारखाने, ये मिले मैंने इन बेवकूफ मजदूरों के फायदे के लिए खोल रखी है? क्या सेठ लक्ष्मीदास सदाव्रत बांटते हैं ये आश्रम खोले हुए? जाओ। लेकिन हुजूर, मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मेरे कारोबार में किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। जाओ, चले जाओ। मिस्टर शर्मा, क्या आपको मालूम नहीं क्या एड्रेस है? आखिर अभी तक रुपया क्यों नहीं भेजा है? अभी तक तुम्हें रुपया नहीं मिला? शर्मा, बहुत बुरी बात है, फौरन जाकर रुपया लाओ। क्या आप रेस्ट लेंगे? बैठो बैठो, जरा दम लो, रुपया तो आने दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आप रुपया भेज दीजिएगा। My next expert, Mr. Puri, wants to see you. Show him in. Good afternoon, sir. Afternoon. ओहो, आपने तो बहुत से कागजात जमा कर लिए। जी हाँ, ये वही कागजात हैं जिनसे मुझे मालूम हुआ है कि इस जमीन में सोने की काने मौजूद हैं। और देखिए, ये वो जगह है जहाँ हम लोगों को जाना है, और अब जहाँ जाने का सवाल तो वो सिवाय हवाई जहाज के मुमकिन नहीं। आप बेफिक्र रहिए, उसका इंतजाम तो हो जाएगा। आप अपने चलने की तैयारी कर लीजिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा काम तो खत्म हो चुका है, अब जो कुछ तैयारी करना है आप ही को करना है। मेरे ख्याल से हम शनिचर को चल सकेंगे। बहुत बेहतर। किनारी, जल्दी से थोड़ा पानी ला। लो लो, पानी पी लो। लो किनारी, तू इसको धीरे धीरे दो, मैं भी दवा लेके आता हूं। हाँ। जाओ, तुम सब लोग अपने अपने काम में लगो। जाओ। किनारी, कपड़ा ला। नहीं नहीं नहीं, मैं देती हूँ, ये लो। टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन कहाँ? लो पानी पी लो। हेलो हेलो, बुलियन एक्सचेंज। अरे अरे, सोने का क्या भाव? अरे आप होश में हैं? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। डार्लिंग जी,
हम कहाँ हैं? अरे आपको कुछ याद भी है? एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, हमारा प्लेन टूट गया। अब मुझे याद आया, हाँ हाँ, अच्छा मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? पैर में थोड़ी सी आई। अरे लो दूध पियो, ये हमारे भूरी का दूध है। हैं? भूरी का दूध? हाँ, ये हमारे चंगू मंगू की माँ का नाम है। ये कोई नए किस्म का जानवर? नहीं नहीं, ये हमारी भैंस का नाम है। ओ लो पियो। अच्छा है? बहुत अच्छा। भाइयों, मैं देखता हूँ आपकी बरस भगवान की कृपा से हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। दादा आपकी मैं ज्यादा लूंगा। क्यों? इसका कारण है, मेरी नई औरत पुरानी औरत से ज्यादा खाती है। भाई जितने हिस्से में आए ले लो, सब तुम्ही लोगों का है। अच्छा चलो अब हिस्सा बांट कर दो, देर न लगाओ। नथू, भिम्मा, हंसा, चलो सब बांटना शुरू कर दो। ये क्या हो रहा है? ये अनाज बांटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ हर फसल पर होता है। तुम्हें कितना अनाज मिलता है? जितना और समूह को मिलता है। और किनारी को? किनारी को भी मिलता है, चंगू मंगू को भी मिलता है, भूरी को भी मिलता है, सब गांव भर को मिलता है। चाहे कोई काम कम करे या ज्यादा? हमारे यहाँ कम ज्यादा कुछ नहीं होता। जवान आदमी ज्यादा काम करते हैं, बूढ़े आदमी कम काम करते हैं, मगर हिस्सा सबों को बराबर मिलता है। तो तुम्हारे यहाँ गरीब और अमीर नहीं होते? क्या? तुम्हारे यहाँ गरीब और अमीर नहीं होते? इसकी फसल हमारे यहाँ नहीं होती। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आखिर मेरी डालिंग को ले जाने का बालम को क्या अधिकार था? तो क्या वो हाथ पकड़ के ले गया? तुम्हारी औरत उसके साथ गई क्यों? ये मैं कुछ नहीं जानता। देखो किनारी, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं किसी को जान से मार डालूंगा। किसे मार डालोगे? बालम को? हाँ बालम को। शेर शेर चंगू मंगू कसम, जब तुम गुस्से होते हो तो बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हो। तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो? झूठ बात, मैं तुम्हारी कहाँ हंसी उड़ा रही हूँ, मैं तो खुद हंस रही हूँ, ये देखो। मगर शेर, तुम्हारी औरत बड़ी विचित्र है। मेरे बालम को यूं देखती है। इसमें क्या हर्ज है? तो उसके साथ जाने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? बहुत बड़ा हर्ज है। बालम, सेठ कहते हैं कि डार्लिंग को तुम्हारे साथ जाने में बहुत बड़ा हर्ज है। हाँ, बहुत बड़ा हर्ज है। कोई हर्ज नहीं है, मुझे हर तरह का हक है। डार्लिंग, इस जंगल में भी मेरी नाक कटवाओगी? बालम, सेठ नाक कटवाने को कह रहे हैं। डार्लिंग, अपने पायलट और इंजीनियर का क्या हुआ? दोनों मर गए। मर गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सोने की कान तलाश नहीं की जा सकती, जिसके लिए हम लोग यहां तक आए हैं। डार्लिंग, अब यहां से जाने की क्या तरकीब होगी? न यहां कोई ट्रेन ही है, न मोटर ही है, न पास कोई शहर ही है, आखिर होगा क्या? मैं क्या जानू? तुम क्या जानो, मेरा तो एक एक दिन एक एक लाख का है, आखिर ये नुकसान कैसे पूरा होगा? ये क्या है? कुछ नहीं, सोना सोना सोना।
फेंको से फेंको फेंको। हमारे बाप दादा कहते थे सोना बहुत बुरी चीज है, इन पहाड़ों के उस पार सोने का राज है, जितने आदमी वहां रहते हैं वो सब सोने के गुलाम है, जो आदमी वहां जाता है वो भी गुलाम हो जाता है। तो हम गुलाम है? हाँ गुलाम हूँ। गधा 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 मैं, गधा तुम, इसलिए के गुलाम हूँ। गुलाम और गधा दोनों एक ही चीज है, ना गधा मार खा के बदला लेने की कोशिश करता हूँ ना गुलाम। बालम दुनिया में सोना सबसे ज्यादा कीमती और अच्छी चीज है। झूठ, मेरे बच्चे से अच्छी नहीं हो सकती, जानती हो ये लोहे का है। बालम बालम बालम, हमारे देश में सोने के इस एक टुकड़े से ऐसे से 10 पर 6 मोल लिए जा सकते हैं। क्या चमकता है? ये देखो टेढ़ा हो गया, लोहे से अच्छा है। हाड़ा इधर आओ, हाड़ा तुम इससे अपना पट्टा बदलोगे? इससे नहीं, तुम्हारे वर्षे से बदल सकता हूँ। तुम तो इसको लोहे से अच्छा कहते थे, सेठ लो तो तुम इसे टेढ़ा करो। लो नहीं लो, अरे नहीं नहीं मुझसे नहीं होता है। अरे अरे अरे, अरे मुझसे टेढ़ा नहीं होता बाबा। बालक ये माला तुम्हें पसंद है? नहीं। डालिंग ये मुझे दे दो। घर घर मैं तारा देती हूँ। अच्छा लो तुम मुझे पहना दो। ए मैं कैसी दिखाई देती हूँ? बालम हा हा बालम, ओ बालम, सेठ आओ बैठो, आओ खाओ, आओ। बालम हम यहां से जाना चाहते हैं। इतनी जल्दी कहाँ की है? हाँ तुम तो ये कहोगी ही औरत। जी हाँ और तुम, मगर अभी तक आपकी नहीं। और ना आइंदा इरादा है? मेरा इरादा मेरी खुशी के साथ है, मैंने अभी कुछ फैसला नहीं किया है, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अभी आपका पांव इस काबिल नहीं कि आप चल सके। तो क्या मैं पैदल चलूंगा? और क्या हवाई जहाज पर? अरे मेरा मतलब ये है कि बालम के पास भैंसे तो है ही, रहा गाड़ी का इंतजाम, वो ये लोग कहीं से कर देंगे। गाड़ी हम दे सकते हैं मगर चंगू मंगू नहीं दे सकते। लेकिन मैं तुम्हारे भैंसे वापस कर दूंगा। नहीं नहीं, ना हम अपने चंगू मंगू को इन पहाड़ों के उस पार जाने देंगे और ना हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य उस पार जाने से गुलाम उड़ाता है। पर सेठ तुम भी मात उड़ाते हो, हमारे साथ रहो, खाओ पियो, मौज करो। लेकिन बालम मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वहां बहुत काम है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा तो सेठ ऐसा करो, ये माला मुझे दे दो, हम तुम्हें उस पार छोड़ आएंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं चंगू मंगू नहीं दे सकता। बालम देखो, हम इन्हें गाड़ी को बिठा कर पहाड़ी को उस पार छोड़ के जल्दी से भाग आएंगे, इतनी जल्दी थोड़े गुलाम बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो तुम इनकी माला इनको उतार के दे दो। चलो बालम। नहीं चलो, इनकी माला इनको उतार के दे दो, चलो उतारो। Yeah.
किसके लिए माला बना रही हो? आज हम सब लोग लगन करेंगे। तुम कैसे लगन करती हो? देखो, जिनको हम प्रेम करते हैं आज ये माला हम उनके गले में डाल देंगे और हम सब अलग अलग जंगल में भाग जाएंगे। फिर हमारे प्रीतम हमें जंगल में ढूंढने निकलेंगे, हम सब उन्हें आपसे मिल जाएंगे। फिर वो लोग हमें कल सवेरे घर ले आएंगे, बस हमारी लगन हो जाएगी। और अगर मैं भी किसी के गले में माला डाल के जंगल में भाग जाऊँ तो वो तुम्हें जरूर ढूंढने जाएगा। ओ किनारी, ये माला मुझे दे दो। आखिर तुम क्या करोगी? तुम्हारी लगन तो हो चुकी है। लगन से क्या होता है? मैं अपने बालम के गले में डालूंगी, मैं उससे प्रेम करती हूँ। तो तुम दूसरा बना लो, ये मेरे सोने के हार से बदल। मगर तुम किसके गले में डालोगी? मैं हारा के गले में डालूंगी। अच्छा थला ठहरो, मुझे तुम अपनी गाड़ी और भैंसे दे दो, पहाड़ के उस पार जाके मैं उसे वापस कर दूंगा। अरे सेठ, पहाड़ के उस पार जाकर कोई लौटा भी है? सेठ तुम खाना खाए जाओ, अब की बरस भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है। हैं, फसल बहुत अच्छी हुई है और मेरा जो लाखों का नुकसान हो रहा है वो काहे का नुकसान? काहे का नुकसान? रुपए का, सोने का।
ठगिन भिन तकन धा तान दा ठगिन ठगिन तुम कर के लाम जब चढ़ी है लंक कन राम कटक दल लिए बने चर जाम वंश सुक्रीम अगत हनुमत अस अनुचर चल तब तक कच्छ पकरा लचक तब ने सदस कत धड़न तथे के धड़ 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 ती दिगं तक जगदिन ता कत ता गज गदिन ता कत ता गज गदिन ता कत ता गत ता गत ता गत ता गत ता सेठ सेठ तुम्हारी डार्लिंग मेरे बालम को लेकर भाग गई। भाग गई? कहाँ भाग गई? जंगल में। जंगल में? चलो मैं अभी चलता हूँ। ठहरो, क्या उस औरत ने बालम के गले में माला डाली है? हाँ। मैं माला वाला कुछ नहीं जानता, मैं अभी उसकी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। खामोश, तुम उसे यहाँ इस तरह नहीं ला सकते। बालम ने जो कुछ किया वो ठीक किया, तुम्हें उससे लड़ना होगा। ये लो। लड़ना होगा? और इससे? हाँ, इससे। हाँ हाँ, उठो सेठ, लो चलो। देखो किनारी, हम शरीफ लोग हैं, चाकू छुरी से नहीं लड़ा करते। क्या फायदा किसी को चोट चपेट लग जाए? फर्ज करो मैंने ही तुम्हारे बालम को मार दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जानते हो मेरे बालम ने अभी तक 40 दुश्मन मारा है। 40? बस डर गए, जल्दी चलो नहीं तो सवेरा हो जाएगा। अरे एक दफा नहीं दो दफे सवेरा हो जाए, अब मुझसे चला नहीं जाता। नहीं नहीं जल्दी चलो, देर हो रही है। अरे 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 मेरा पाओ, अरे अरे मेरा पाओ। किनारी एक बात तो सुनो। देखो ऐसी बातों में जल्दी नहीं करते, मैं तुम्हें एक दूसरी तरकीब बताता हूँ। क्या? देखो डार्लिंग से तुम भी पीछा छुड़ाना चाहती हो और मैं भी उसे अपने देश वापस ले जाना चाहता हूँ। अब ऐसा करो कि तुम अपनी गाड़ी और भैंसे मुझे दे दो। नहीं ये नहीं हो सकता। अरे पूरी बात भी तो सुनो, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा सोना दूंगा जिससे 15-20 माले बनवा सकती हो। लेकिन मेरे चंगू मंगू को घर कौन वापस लाएगा, और बालम भी खफा होगा। अब ये तुम जानो। हाड़ा, ओ हाड़ा, हाड़ा सुनो, एक बहुत जरूरी काम है। क्या? देखो तुम जानते हो बालम के पास 2-3 बच्चे हैं, एक से एक अच्छे। हाँ? अगर तुम मेरा एक काम कर दो, तुम में से एक बच्चा मैं तुम्हें दे दूं। कौन सा काम? सेठ अपने देश जाना चाहते हैं। बालम, मुझे तुम्हारे देश की हर चीज अच्छी मालूम होती है। यहाँ का चांद, तारे, आकाश, हवा, सब मुझे गीत गाते हुए मालूम होते। तो फिर तुम यहाँ जन्म पर क्यों नहीं रहती? नहीं बालम, मुझे जाना ही होगा, मुझे एक आदमी से बदला लेना है। बदला लेना है? हाँ। तो तुम्हारे पास बर्छा है? बर्छा? बर्छा? समझ गए? हाँ? सब अच्छी तरह? मगर बालम, तुम फिक्र मत करो। अच्छा तुम जाओ जाओ। बालम, तुम्हारे देश में मनुष्य 2 शादियां कर सकते? हाँ हाँ। तो फिर तुम? नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे किनारी से बहुत प्रेम है। धीरे धीरे मुझसे भी प्रेम हो जाएगा। मगर किनारी कभी राजी नहीं हो सकती। और अगर मैं राजी कर लूं तो? तो ये लो, चलो 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 चलो। डार्लिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस जंगल में प्रेम पूजा ना छोड़ी? ओ, जैसे कि आपने इस परदेश में सोने की पूजा छोड़ दी। किनारी, किनारी, हम लोग सवेरा होने से पहले ही आ गए, हमारी शादी नहीं हुई। बालम, आज हम लोग यहाँ से सवेरा होने से पहले जा रहे हैं बालम से छुप के। अगर उसे मालूम हो गया तो हम लोग यहां से कभी ना निकल सकेंगे। किनारी, 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 चंगू मंगू कहां हैं?
वो गए। कहाँ? सेठ को लेकर इन सामने वाली पहाड़ियों के उस पार। क्यों गए? तुमने क्यों उन्हें ले आने दिया? मुझसे क्यों नहीं कहा? नाराज ना हो बालम, हाड़ा भी उनके साथ गया है, दो तीन दिन में जरूर वापस आ जाएंगे। और देखो सेठ ने मुझे इतना सोना दे दिया है। सोना? और जो दो तीन दिन में ना आए तो? ऐसा ना कहो बालम, जरूर आ जाएंगे। ले गए। तुमने क्यों ले जाने दिया? जब हम पहाड़ियों के उस पार पहुंचे तो रात हो गई, हम लोग सो रहे, ना जाने रात में किस वक्त चंगू मंगू को वो लोग ले गए। मैं सुबह उठकर बहुत दूर तक देखने गया लेकिन नहीं पता ना चला, मैं लाचार होकर। हाड़ा यहाँ आओ, ले जाने के लिए मुझसे पूछा था? नहीं। क्यों ले गए? किनारी, आज मुझे ऐसा जान पड़ता है जैसे तुम मुझसे सदा के लिए दूर हो गई। बालम, आज तुमने मुझे पहली बार मारा। मगर किनारी, मैं तुमसे अब भी प्रेम करता हूँ, तुमसे भूल हो गई। हाँ, मुझसे भूल हुई। चलो किनारी, हम अपने चंगू मंगू लेने चलेंगे। मगर? मगर वगर कुछ नहीं, हम अपने चंगू मंगू लेके आएंगे। हाँ, हाड़ा मेरी भूरी का ख्याल रखना। अच्छा हाड़ा, किनारी ये सोने का टुकड़ा चुन लो, सेठ ने कहा था कि उस देश में इनसे हर एक चीज मिल सकती है। मैं कहती हूँ डार्ली, आज तो बजाय तुमने मोटर चलाने के बैलगाड़ी चलाने का लाइसेंस लिया होता तो ये तकलीफ क्यों ना उठाने पड़ती। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? और यहाँ मेरी जान निकले जा रही है। चलो जाए बजरा बिन पानी के, किनारी ये हमारी गाड़ी का निशान है। हाँ चलो। बालम ये सेठ का है। हाँ हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। ए, ये क्या है? खाने की है? लाओ 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 लाओ। बालम मैं भी पीऊंगी। हाँ आए, इस्लामी चाय अच्छी है, लाओ लाओ लाओ। आलम मैं भी पीऊंगी। हाँ हाँ लो। इस्लामी चाय
मजा तो एक ही है, फिर एक ही चीज के दो नाम क्यों है? तुम लोग उल्लू बनाते हो हमको, एक ही चीज के दो नाम रख के जीत से पिटो, हिंदू चाहे इस्लामी चाहे, क्या भांजा नहीं जाएंगे? गरीबों पर दया करके बड़ा एहसान कर दे हो, गरीबों पर दया करके बड़ा एहसान कर दे हो, इन्हें बुज़दिल बना देने का तुम सामान कर दे हो, इन्हें बुज़दिल बना देने का तुम सामान कर दे हो, गरीबों पर दया करके बड़ा एहसान कर दे हो, इन्हीं को लूटते हो और इन्हें खैरात देते हो, इन्हीं को लूटते हो और इन्हें खैरात देते हो, बड़े तुम धर्म वाले हो ये अच्छा दान करते हो, बड़े तुम धर्म वाले हो ये अच्छा दान करते हो, गरीबों पर दया करके बड़ा एहसान करते हो। करो उस वक्त से जब रंग बदलेगा जमाने का, डरो उस वक्त से जब रंग बदलेगा जमाने का। ये तुमसे लेंगे बदला जिनका अब अपमान करते हो, ये तुमसे लेंगे बदला जिनका अब अपमान करते हो, गरीबों पर दया करके बड़ा एहसान करते हो, इन्हें बुज़दिल बना देने का तुम सामान करते हो। मुझे दे दो पैसे हैं, पैसे पैसे तो नहीं है, ये है मेरे पास। हाँ हाँ, तुम कौन हो? हम मनुष्य हैं। क्यों, कैसा मजा आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ तो मुझे भी सोना दो। क्यों? मैं तुम्हें मोटर की सैर जो करा रहा हूँ। अच्छा। लो। बस एक ही, कम से कम चार तो दो। अच्छा अच्छा। लो। भड़क, मुझे भूख लगी है, रोटी खाना है। भूख लगी है। हे भाई मोटर, रुको, भूख लगी है, खाना खाना है। है? ये क्या है? ये रोटी है, रोटी रोटी, रोटी? डबल रोटी। हाँ हाँ, बालन बड़े मजे की है। हाँ मजे की। भाई तुम बड़े अच्छे आदमी हो जो सबको रोटी खिलाते हो। रोटी भी खिलाते हैं और पैसे भी लेते हैं, पैसे। हाँ तो क्या यहाँ रोटी भी मोल लेनी पड़ती है? नहीं तो क्या मुफ्त मिलती है? तुम्हारा देश बहुत खराब है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। खाओ खाओ, अभी थोड़ा सोना बाकी है, खाओ खाओ खाओ।
कितने पैसे हुए? 12 आने। बस 12 आने? चलो पैसे चुका दो। ए, पैसे फेरे ना। सेठ लक्ष्मीदास, ये बटवा तुमको कहां से मिला? सेठ ने हमको दिया था। इस सेठ को तुम जानते हो? ये हमारे यहाँ गए थे और ये सोना भी उन्होंने दिया था। ये सोने की तलाश में वहां गए थे। तो क्या तुम सेठ को जानते हो? तो फिर हमें तुम उनके पास ले चलो, हमें उनसे एक बहुत जरूरी काम है। हम उन्हीं से तो मिलने आए हैं। तुम्हें उनसे क्या काम है? अरे वो हमारा चंगू मंगू ले आए हैं। आज मुझे वक्त नहीं है। हजूर आपकी मिल 2 दिन से बंद है। हजूर आपकी मिल 2 दिन से बंद है। हजूर बड़े हॉल की छत गिर गई, 10 मजदूर मर गए और बहुत से जख्मी हैं। इसलिए 10 मजदूर मर गए तो मिल क्यों बंद हुई? कोई मैंने मार डाले? ये मेरा नुकसान क्यों हुआ? नहीं हजूर आपने, बस जा अपना हिसाब कर लो। हजूर ये मिल आपको मेरे वजह से मिली है। तो क्या हुआ, तुमने मुझसे रुपया नहीं लिया? कोई मुझ पर एहसान किया, मुझे खरीद लिया? शर्म नहीं आती कहते हुए? नमक खराब, जिस तरह तुमने अपने पुराने मालिक को धोखा दिया उसी तरह तुम मुझे भी दे सकते हो। निकल जाओ, गेट आउट। क्यों आखिर निकाल दिए गए ना? लो अफीम खाने के लिए ये चवन्नी तो लेते जाओ। आओ चलो। सेठ 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 शाबाश, ऐसी ही छत बनवानी चाहिए जिसके गिरने से कुछ फायदा तो हो। अरे इन जंगलियों को कहां से पकड़ लाए? बोलो अब बोलते क्यों नहीं? तुम तो कहते थे कि लक्ष्मीदास सेठ हमारे बड़े दोस्त हैं। सेठ तुम हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? हमने तो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया था। हाँ और मैंने तुम्हें रोज अपने भूरे का दूध पिलाया और मेरे बालम ने तुम्हारे दवा लगाई और मैंने तुम्हारा मुंह धुलाया। ये मुंह चंगू मंगू जैसा। पढ़ो मत, जो कुछ तुमने किया उसके एवज में काफी ज्यादा मैंने तुम्हें सोना दे दिया। ए, सोना दे दिया, बड़ा अच्छा था तुम्हारा सोना, सब खर्च भी हो गया। तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं जानता, चल जाओ यहाँ से। सेठ हम लोग चले जाएंगे मगर तुम हमारे चंगू मंगू दे दो। चंगू मंगू कैसे, मैं कुछ नहीं जानता। चंगू मंगू को भूल गए और उनकी माँ का दूध पिया खूब मजे से। चुप रहो किनारी, सेठ अब हमारे घर में नहीं है, अपने घर पर है। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अच्छा सेठ मगर तुम चंगू मंगू का पता तो बता दो। मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। बड़े दोस्त हैं। चले आओ इज्जत से चले आओ। बालम सेठ से थोड़ा सोना तो ले लो, हमारे पास तो सब खर्च हो गया और यहाँ यहाँ रोटी भी मोल मिलती है। एक भी पैसा नहीं मिलेगा, सीधे चले जाओ भाई। बालम सेठ को मारो। नहीं किनारी, सेठ हमारे यहाँ खाना खा चुके, चलो। बालम अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। किनारी इस देश में मैं किसी को जानता भी नहीं, कहाँ जाऊं इससे रोटी मांगू? अगर इस वक्त सोना होता तो रोटी मिल जाती। हमारा सब सोना उस पाजी भड़क ने खर्च करवा दिया, उसी से लेना चाहिए। मगर वो अब मिले कहाँ? अरे ओ भड़क के बच्चे, हमें भूख लगी, हमारा सोना दे देने तो गला घोट दो। गुरुजी इसी तरह हम तो हमारा सोना दे दो, हमें भूख लगी। मैं कहाँ से लाऊं? बालम भैया, बालम भैया, यहाँ सब चोर ही बसते हैं, मेरा सोना भी सब चोर चुरा के ले गए, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं खुद कल से भूखा फिर रहा हूँ। तो हम फिर क्या करें? तुम भी बड़े बेवकूफ हो,
जाके सेब से रोटी मांगो, उनके कारण तुम्हारी ये हालत हुई है। हाँ बालम ठीक है, हमें सेठी से रोटी लेनी चाहिए। अगर वो रोटी न दे तो हाथ छोड़ देना फौरन। ये लोग सिर्फ इतना रोटी नहीं देते, याद रखना। चेट को मारे। मैं अपना धर्म बेचकर नौकरी करने वाला आदमी नहीं हूँ। इसके माने ये हुए कि तुम बेकार आदमी हो, फौरन अपना हिसाब करके जा सकते हो। सेठ हम दो रोज से भूखे हैं। मैं क्या करूं, निकल जाओ यहाँ से। सेठ जब तक तुम हमारे रहे हमने तुम्हें हर एक तरह का सुख दिया, तुम्हारे पाँव में दवा लगाई, तुमको रहने के लिए अपना घर दिया और अपने देश के अच्छे से अच्छे खाने तुमको खिलाए। हाँ और तुम्हें अपने चंगू मंगू दिए, नहीं तो तुम हमारे देश से मर के भी न निकलते। बको मत, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया उसके एवज में काफी ज्यादा सोना मैंने तुम्हें दिया। तुमने कौन सा मुझ पर एहसान किया? सेठ मैंने तुम्हारे साथ सोने के लालच से अच्छा बर्ताव नहीं किया था, मैंने तुम्हें मनुष्य जान के भलाई की थी, जैसा एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारी तालीम और तहजीब से जो बुद्धि आती है वो हमें गरीबों की मदद करना और भूखों को रोटी देना नहीं सिखाती। ठीक कहते हो मुनीम जी। फिर क्या सिखाती है? गरीब मजदूरों से जान तोड़ मेहनत लेना, उन्हें कम मजदूरी देना, उनकी रोटी छीनकर उन्हें भूखों मार डालना सिखाती है। सेठ क्या तुमको भगवान ने सोना इसीलिए दिया है? बेवकूफ, इस देश का सोना ही भगवान है, उसका धर्म जुल्म है और हम जालिम धनवान ही उसके सच्चे पुजारी हैं। हम अपने भगवान की मूर्ति पर दिन रात गरीब भूखे आदमी औरतों और बच्चों का खून चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं। जाओ ताकि इनका सुनहरा भगवान इनको और सोना दे जिससे ये हमेशा गरीबों के गले काटते रहे। खामोश, फौरन निकल जाओ यहाँ से, नमक हराम। बहुत खूब सरकार। तो क्या इस देश में मुझे और मेरी किनारी को कोई रोटी नहीं देगा? क्या हम भूख से मर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? भूख से मर जाना इस देश में कोई बड़ी बात नहीं बालम। इस देश में 40 करोड़ जानवर बसते हैं, जिसमें हर एक मिनट में 4 जानवर भूख से मर जाते हैं। तुम भी उन्हीं जानवरों में से एक जानवर हो, 2-4 दिन में तुम भी भूख से तड़प तड़प कर मर जाओगे। बालम मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरना चाहती बालम, मैं नहीं मरना चाहती। नहीं नहीं कभी नहीं, हम रोटी खाएंगे। बालम छीन लो रोटी। हट जाओ से। शाबाश, इस देश में इसी तरह से रोटी मिलती है। क्या देखते हो? लो लो। डरते हो? नहीं, लेकिन खून धोखे से करना चाहिए। बालम थोड़ा सा सेक के लिए छोड़ दे। नहीं, सब खाओ, आज इसे भूखा रहने दो, इसे पता चले भूख कैसी होती है। दे दो इन्हें पुलिस में, चोर बदमाश। धर्म छोड़ दो, ये लोग चोर नहीं है, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूं, छोड़ दो।
आप देख क्या रहे हैं? आप इन लोगों को नहीं जानते? ये लोग चोर हैं। आखिर तुम्हारा मंशा क्या? मंशा बिल्कुल साफ है। ये गरीब इस नए देश में सिवा हम लोगों के और किसी को नहीं जानते। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। आप इन्हें रहने के लिए जगह और मिल में नौकरी दे दीजिए। और अगर मैं ना दूं तो मैं ही खुद नौकर रख लूंगी। डार्लिंग जी, छोड़ दो इन्हें। डार्लिंग, डार्लिंग, सेठ बहुत खराब है। बालम, बालम, कल से तुम हमारी मिल में नौकर। लेकिन डार्लिंग, हम तो चंगू मंगू वापिस लेने आए हैं। वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैंने बहुत दिनों तुम्हारा रास्ता देखा। जब तुम नहीं आए तो मैंने तुम्हारे चंगू मंगू एक आदमी के हाथ बेच डाले। बेच डाले? चंगू मंगू बेच डाले। अब क्या होगा बालम? तो डार्लिंग, क्या हम अपने चंगू मंगू वापिस नहीं ले सकते? हाँ हाँ, तुम उन्हें फिर खरीद सकते हो। मगर हमारे पास सोना कहाँ? थोड़ा सा सोना तुम हमें दे दो। सोना तो मेरे पास नहीं है बाल। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है? तो फिर? तो तुम 3-4 महीने नौकरी करके रुपया जमा करो और अपने चंगू मंगू खरीद लो। ऐसा हो सकता है? हाँ। डार्लिंग, तुम बहुत अच्छी हो। जाओ, इन लोगों को ले जाओ और हमारी मिल वाली चाल में के रहने का इंतजाम कर। जाओ, अब तुम लोग जाओ। क्या तुम एक कमजोर औरत से इतना डरते हो? क्या मेरा उपदेश भूल गए? नहीं, लेकिन मैं डार्लिंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम उससे प्रेम करते हो? हाँ। और वो? नहीं। क्या तुम उसके दिल में प्रेम का दरख्त लगा रहे हो? याद रखो, प्रेम का पौधा बोया नहीं जाता, आपसे आप फूट निकलता है। सुनो, जो औरत हाथ जोड़ के पांव पड़ के कब्जे में की जाए, उस पर विश्वास और भरोसा कभी न करना चाहिए। जब तक औरत खुद तुम्हारे पांव न पड़े, कभी एतबार न करना। सोचो, गौर करो। बरेली के बाजार में झूला गिरा रे, बरेली के बाजार में झूला गिरा रे, साग मोरी मारे नर्तक सब गावे। ये किसका घर है? ये तुम्हारे रहने के लिए सेठ ने दिया है। तो क्या सेठ इसी घर में रहते हैं? नहीं नहीं, सेठ बड़े अच्छे मकान में रहते हैं। मगर जब सेठ हमारे यहाँ गए थे तो हमने उन्हें अपने घर में रखा था। अरे भैया, जिनके पास सोना होता है ना, वो तो बड़े अच्छे मकान में रहते हैं। ये तो हम काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए है। बालम, हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ हवा नहीं है, बू भी आती है। नहीं नहीं, ये देखो, ये खिड़की खोल दो, हवा भी आने लगेगी। यहाँ ये देखो, हवा अभी बहुत आएगी। नहीं नहीं बालम, ये घर बहुत बुरा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ किनारी, मेरा भी जी घबरा रहा है, लेकिन इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? यहाँ हम किसी को जानते भी तो नहीं। तो क्या हुआ, हम रास्ते पर चल के बाहर सो रहेंगे? अरे राम राम राम, तुम दोनों बाहर सोओगे? हाँ तो क्या हुआ? अरे भैया, ये हमारे देश में बड़े शर्म की बात है। क्या कहा इसमें? न जाने कुछ शर्म वरम कह रहा है। अच्छा भैया, तुम्हारा जो जी चाहे करो, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। चलो बालम, बाहर चलकर सोएंगे। नहीं किनारी, बाहर सोना ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि जाने इस देश में शरम वरम कोई बड़ी चीज हो और कहीं रात बिरात आ जाए तो। अच्छा, तो फिर यही सोए। कितने मच्छर हैं यहाँ, मुझे यहाँ नींद नहीं आ सकती। हाँ तो चलो, बाहर ही चलो, जब शर्म आएगी तो देख लेंगे। मैं तो तुमसे पहले कहती थी। अच्छा चलो, बाहर कहाँ सोएंगे? बाहर चलकर देख लेंगे। और हाँ, बच्चा साथ ले लेना, कहीं शर्म वरम आ जाए तो। चलो।
अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कहाँ है शर्म? कहाँ है शर्म? अरे शर्म भी कोई जानवर है जो आ जाएगा। अरे बाबा मैं ये कहता हूँ, तुम लोग इस तरह से खुले मैदान में सोते हो, इन सब लोगों के सामने लाज नहीं आती? तो क्या हुआ? अरे बेटा मुनीस शादी चालान कर देगी। हम कुछ नहीं जानते चालान वाला। अच्छा अच्छा पहले तुम लोग उठ के अपने कमरे में चलो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। लो ये कपड़े भी तुम्हारे लिए लाया हूँ, आओ। आओ। खाने का टाइम हो गया, खाना खाने नहीं जाता। जाओ जाओ खाना खाओ जाओ। क्यों भैया अभी तक खाने की घंटी नहीं सुनाई दी तुमको? ये क्या खाने की घंटी थी? हाँ हाँ और क्या, चलो आओ खाना खाओ। मगर मेरे पास तो रोटी नहीं है। कोई बात नहीं, आओ बैठ, आओ आ बैठ। लो हाँ, और भैया कल से अपना खाना अपने साथ लाया करना, समझे? खाने पीने की दोस्ती दो एक दिन से ज्यादा नहीं चल सकती। जानते हो आजकल आटा किस कदर महंगा हो गया है? अरे भैया ये महंगाई सब सेठ के कारण है। तो फिर तुम सेठ से क्यों नहीं कहते कि गेहूं सस्ता कर दो? क्या सेठ से तुमसे दोस्ती नहीं? दोस्ती की अच्छी कही भैया, सेठ है धनवान और हमें टके टके के मजदूर, हमारी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। खाओ खाओ। हो कैसे नहीं सकती? देखो मैं भी दारिंग से कहता हूँ, उनसे मुझसे बहुत दोस्ती है। अरे क्या कर रहा है? अरे भाला क्या कर रहा है? नहीं नहीं डालिंग डालिंग, ये मजदूर कहते हैं गेहूँ बहुत महंगा हो रहा है, क्या तुम सस्ता नहीं कर सकती? क्या करते हो बाला? नहीं आ रहा है। जाओ, मगर डालिंग सुनो तो। रुक रहा, जंगली कहीं का। हट जाओ तुम लोग, वो मेरी दोस्त है, मैं उसे पहले कई बार ही नाते को उठा चुका हूँ। कुछ परवाह नहीं डालिंग, कुछ परवाह नहीं। सोने का पर्दा जिल्लत और शर्म दोनों को छिपा लेता है। जिल्लत किसकी हुई? मेरी? कभी नहीं, मुझे यही लापरवाही तो उसकी पसंद। किसी से तो मेरी दिलचस्पी हुई। डार्लिंग, तुम बेहयाई और बेगैरती से अपनी जिल्लत का नाम दिलचस्पी रख सकती हो, मगर मैं उसे बेगैरती और बेशर्म ही समझूंगा जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी खुशी। अगर ऐसा है तो आज ही मैं इस किस्से का खात्मा किए देता हूँ। एक मामूली मजदूर सेठ लक्ष्मीदास की इज्जत में धब्बा नहीं लगा सकता। यानी आप उसको नौकरी से अलग कर देंगे? बेशक। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया वाले मेरी इज्जत को आपकी इज्जत समझते हैं और मैं अपनी इज्जत की मालिक हूँ, चाहे मिटा दूं चाहे। तो इसका ये मतलब है कि मैं अपनी शर्म और इज्जत इसी तरह मिटते देखता रहूं और कुछ ना बोलूं? जी नहीं, उसकी ये सूरत है कि आप उसको बुलाकर मालिक और मजदूर का फर्क समझा दें बस। अब इन्हीं कामों के लिए तो रह गया हूँ। लीजिए दस्तखत कीजिए। पांच हजार? लेकिन 5,000 का क्या होगा? जी 5,000 के दो दो हैं। जी चंगू चंगू बंगू, तुम अच्छी तरह हो, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? मगर तुम्हारी आंखों से जान पड़ता है कि तुम बहुत दुखी हो। ए बस बस बहुत हो गया, जाओ चले जाओ। बहुत हो गया और ये कहते हैं सर पे रखे जाएंगे? चला खुबर भाई, चंगू मंगू इतना बोझ नहीं। मैं कहता हूँ तू अजीब आदमी है, भैंसे मेरे हैं या तेरे? मेरे मेरे मेरे। चला रख। ए चला, तुमको ऑफिस में सेठ बुलाता है, चला।
सेठ मुझे बुलाया। बालम आज तुम कान खोल के सुन लो, तुम मुझसे या डार्लिंग से बराबरी का बर्ताव नहीं कर सकते। तुम छोटे आदमी हो, मजदूर हो, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। मगर सेठ तुम हमारे देश में तो ऐसे न थे। वहां की बात दूसरी थी, यहां हम मालिक हैं, तुम नौकर हो, हम पैसे वाले हैं, तुम मजदूर हो। सेठ हमसे बड़ी भूल हुई, अगर हम ऐसा जानते तो हम तुमसे भी ऐसा ही बर्ताव करते जैसा तुम हमारे साथ कर रहे हो। खामोश, इस तरह अपने मालिक से बातें करोगे तो आज इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। तो क्या होगा? भूखे मर जाओगे। भूखे मर जाओगे क्या? मैं अपने चंग को मंगू भी ना मोल ले सकूंगा? जिनके लिए मैं अपना देश छोड़ के इतनी दूर आया हूं। नहीं नहीं सेठ, तुम मुझे नौकरी से ना निकालो, नहीं तो मैं फिर अपने चंगो मंगू नहीं खरीद सकूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा हुक्म मानूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वो करूंगा, मगर मैं अपने चंगो मंगू नहीं छोड़ सकता। सेठ मुझे नौकरी से ना निकालो, मुझे नौकरी से ना निकालो सेठ। अच्छा, इस मर्तबा तुम्हें माफ किया, जाओ। बालम तुम बगैर नमस्ते किए हुए जा रहे हो, नमस्ते करो, तुम नौकर हो। हाँ सेठ, हाँ मैं नौकर हूं, मजदूर हूं। चंगू मंगू मुझे माफ करो, जैसे तुम लाचार हो मैं भी लाचार हूँ, मैं मजदूर हूँ तुम भी मजदूर हो। ये देश मनुष्य को जन्म ही से गुलामी सिखाता है, यहाँ उल्लुओं का राज है जिनके पास सोना है। तुम जरा भी न घबराना, मैं तुम्हें बहुत जल्द घर ले चलूंगा, समझे? चंगू मंगू तुम मेरे और किनारी के बच्चे हो, मैं तुम्हें कभी यहाँ नहीं छोड़ सकता, बहुत जल्द घर ले चलूंगा, तुम जरा भी न घबराना, समझे? हट जंगली, हट हट अज्जा अज्जा। किनारी मैं चंगू मंगू को देख के आया हूँ, मैं उनसे बातें करके आया हूँ। कहाँ है? मुझे वहाँ ले चलो, जल्दी बताओ। बालम लो आ गया। चलो बालम, चलो चलो। मेरा चंगू, मेरा मंगू। चंगू मंगू देखो देखो, किनारी आई है, देखो। ओहो, तुम कितने मैले हो गए हो, आजकल तुम्हें कोई नहलाता भी नहीं। जय राम जी की, जय राम जी। राम राम। कौ? कैसा है? जरा इन लोगों को इनके भैंसे दिखाने चलाया। मैं कहता हूँ मुकादम भैया, क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया? न जाने कहाँ से ऐसे जंगलियों को पकड़ कर ले आते हो। चंगू मंगू, इस सेठ का बच्चा मुझे धोखा देकर तुम्हें इतनी दूर ले आया, और जब तुम चले आए ना तो बालम ने मुझे मारा। हाँ सच्ची बात, असल ये है ये अपने भय से मोल लेना चाहते हैं। अच्छा जी, क्यों, तुम्हारे पास पैसा है? नहीं अभी तो नहीं है, मगर दो चार महीने बाद हो जाएंगे। तो दो चार महीने बाद आना, बात करेंगे। बाबा मरेंगे तब बाल बटेंगे। चंगू मंगू, अब की घर पहुंचते मैं तुम्हारे लगन कर दूंगी। 30 रुपए महीना तो इसको तनख्वाह मिलती है, और भैंसे मैं 75 से कम बेचूंगा नहीं। अब अगर ये 30 रुपए 2-3 महीने बराबर जमा करे और खाए पिए कुछ नहीं, तब जाके भैंसे ले सकता है। और अगर इसकी औरत भी काम करे तो महीने 1.5 महीने में ले सकता है। नैना जी, काम कहाँ मिलता है? क्या कह रहे हो भैया, अपने यहाँ क्या काम कम है? जहाँ इतनी औरतें काम करती हैं वहाँ ये भी सही। ठीक तो है बालम। हाँ भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे तुम्हें मारा है? बालम बालम, इसको अभी मारो। मारू? हाँ अब भी मारो, उसको अब भी मारो। मगर क्यों मारू इसको? इसने मेरे चंगू मंगू को बहुत मारा है,
चंगू को यहाँ सूझा हुआ है और मंगू को यहाँ। भूखा पालम, इस देश में भूखे बहुत हैं। मेरी तरफ देखता है, जान पड़ता है, खा जाएगा। खा जाएगा? खाने की चीज को हर आदमी ऐसे ही देखेगा। मैं खाने की चीज हूँ। बालम, चंगू मंगू बहुत दुबले हो गए हैं। कुछ परवाह नहीं किनारी, थोड़े दिनों में रुपया जमा हो जाएगा, फिर हम उन्हें घर ले चलेंगे। घर पहुंचकर खूब अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे, चंगू मंगू मोटे हो जाएंगे। हाँ बालम, उन्हें गेहूं का भूसा खिलाएंगे, हरी हरी घास खिलाएंगे। एक तुम्हारी नौकरी नहीं है? नौकरी नहीं है? हाँ, तुमने सारेदा कर दे रहे हो। क्यों? देखते नहीं है मशीन लगी हुई है? अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये मशीन तुम्हारे से 50 आदमियों का काम कर सकती है। मेरा काम क्यों छीन लिया? मैं चिल्लाके कहूंगा कि इसने मेरी नौकरी क्यों छीन ली, मगर सेठ भी तो यही कहेगा कि चले जाओ। मगर मैं चंगू मंगू को कैसे आजाद कराऊंगा? नहीं नहीं, मैं मशीन को तोड़ डालूंगा। इसको मेरी नौकरी छीनने का सजना साँझ भए नाच रही हो और उधर लोगों ने तुम्हारे बालम को जेल में डाल दिया। जेल? तो क्या हुआ, चले जाए यहाँ से, तुम मुझसे बात न करो। अरे तेरे बालम को जेल में ले गए। जेल क्या होता है, कोठड़ी में बंद कर दिया। बंद आ जाएगा वो, नहीं आप आ सकता है। क्यों? तुम आप एक दूसरे को नहीं देख सकते हो। डार्लिंग, डार्लिंग बालम को जेल हो गई। बालम को जेल हो गई? कब? इन्होंने उसे जेल करा दिया। आपने? हाँ मैंने, उस जंगली ने मेरी हजारों की क्रेन तोड़ डाली। तो क्या हुआ, उसने आपकी लाखों रुपए की जान नहीं बताई थी? उसका इनाम उसे दे दिया गया है। शर्म नहीं आती आपको? 300-400 रुपए की गिन्नियाँ देकर आप उसके इतने बड़े एहसान के बोझ से हल्का होना चाहते हैं? तो क्या तुम्हारा मतलब है कि उसे 2-4 लाख रुपए दे देता? 2-4 लाख रुपए तो आप अपनी अर्थी पर भी नहीं खर्च कर सकते। डार्लिंग, आप उसे रिहा करा सकते हैं? बेशक, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सिफारिश ने मेरे शुबे को और भी मजबूत कर दिया।
अरे मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, अब कोई तरकीब नहीं हो सकती। तुम्हें कुछ दिनों और बालम का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन इतने दिन मैं खाऊंगी क्या? तुम फिक्र ना करो, इसका इंतजाम मैं किए देती हूँ, ये लो। और जब बालम वापस आ जाएगा तो अब की मैं खुद उसे नौकर रख लूंगी। तुम नौकर रख लोगी क्यों? ऐसे ही। डार्लिंग जान पड़ता है तुम्हारे मन में अभी तक बालम की तरफ से कुछ। हाँ किनारी, मैं जिंदगी से तंग आ गई, इस देश में मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तो ऐसा करो ना, जब बालम आ जाए तो तुम हमारे चंगू मंगू दिला दो और तुम भी हमारे देश चलो। मैं वहाँ हाड़ा के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगी। लेकिन मैं हाड़ा के साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों? मुझे उससे प्रेम नहीं। फिर? मुझे बालम से। बालम से प्रेम है, लो ये अपने पैसे। किनारी, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि तुम कुछ उदास उदास रहती हो, कुछ बीमार दिखाई पड़ती हो। फिर तुमसे क्या मतलब? ये है कि तुम जैसी जवान औरतों को ये छोटी मोटी बीमारी सताए तो उसकी सबसे बढ़िया दवाई ये है कि वो किसी से प्रेम करने लगे। तुम्हें क्या मालूम कि मैं प्रेम करती हूँ या नहीं? ये तो मैं जानता हूँ कि तुम प्रेम करती हो। तू यहाँ क्या देख रही? चल वहां जा। लेकिन ऐसे प्रेम से क्या फायदा? तुम यहाँ वो जेल में प्रेम ऐसे आदमी से करना चाहिए जो हर वक्त तुम्हारे पास रहे, जवान हो, खूबसूरत हो, जैसे मैं। तुम्हारे देश में जिसकी एक आंख होती है उसे खूबसूरत कहते हैं? अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? ईश्वर जानता है मैं एक आंख से वो काम दिखा सकता हूँ जो दो आंख वाले कर ही नहीं सकते। और फिर तुम मुझसे प्रेम करने का वचन दो तो मैं अभी बाजार से जाके 6-7 रुपए की आंख मोल ले आऊं। कहो क्या कहती हो? मैं कभी वचन नहीं दे सकती, मुझे तो तुम्हारी सूरत देख के उल्टी आती है। अच्छा जी, तो मेरी सूरत इतनी बुरी है? खैर, मैं भी देख लूंगा। अभी 3 महीने बालम के बिना रहना पड़ेगा, वो जेल में है, इस देश में हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ सिवा भगवान के हमारा कोई नहीं। आओ हम तुम मिलके उसे प्रार्थना करें, शायद वो दया करे। हाथ जोड़ो, कहो हे भगवान हमारे बालम को जल्दी से जेल से छुड़ा दो, नहीं तो हम लोगों को बहुत दुख होगा। जानी जानो इतना हम तो सत्ता किया करो, जानी देखो किनारी, हमारे देश में जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसे जबरदस्ती जोर जुल्म से ले लेते हैं, समझ गई? बोलो बोलो क्या बोलती हो? जोर जुल्म से ले लेते हैं। अरे 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 अरे, अरे, अरे इसमें छुरी निकालने की कौन सी बात थी? अरे मैं तो हंसी से कह रहा था, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो लो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। बदमाश, छुरी निकाल के डराती थी मुझे है? बोल अब, मैं अपने बालम से प्रेम करती हूँ, मैं अपने बालम से प्रेम करती हूँ है? बोल, मुझसे प्रेम करने का वचन देती है नहीं? ये मारो छुरी। प्रेम करेगा, प्रेम करेगा, प्रेम करेगा।
मुस्लिम है, बाजी बदमाश। किनारी, किनारी जाओ, तू हमारी मोटर में जाओ और डॉक्टर को ले आओ। बहुत अच्छा। बहुत ही नहीं, दो चार रोज में आ जाएगा। डार्लिंग, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? यहाँ के लोग तो ऐसे नहीं होते। किनारी, तुम बालम की वजह से मेरी बहुत सेवा कर रही हो। तो क्या तुम्हें सचमुच बालम से प्रेम है? अपने घर में क्यों न रखा? उसे बहुत सा रुपया पैसा क्यों न दिया? उसे मजदूर क्यों बनाया? किनारी, रुपये से बालम का रूप खराब हो जाता। रुपया उसे धोखा देना और झूठ बोलना सिखा देता, फिर वो इस देश का बन जाता, तुम्हारे देश का नहीं रहता। अगर मैं तुम्हारे लगन बालम से करा दूं, तो तुम मैं चंगू मंगू के हम लोगों को हमारे देश पहुंचा दोगे? हाँ। तुमसे लड़ोगे तो नहीं? नहीं। तुम कितनी अच्छी हो ताले। मैं बालम से कहूंगी, शायद तुम आ जाए। किनारे, तुम चल कहाँ रहे हो? कुछ खाने पीने चल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पहले किनारी के पास जाऊंगा। अरे ऐसा गजब भी ना करना राजा, जेल से छूटकर सीधे घर नहीं जाते, बहुत बुरा सुकून होता है। हाँ, पहले कुछ खा पी लेते हैं। मगर पैसे कहाँ हैं? पैसे अमा, कुछ तुमने मुझे अनाड़ी समझा है? ये देखो, 3 साल से 2 गिल्लियां छुपाए रखे हैं। राजा, उस्ताद की जूतियों में सदकत सैकड़ों दाखले हैं। चलो आओ, कुछ खाए पियेंगे। थोड़ा चना मिला भाई। हाँ यार, बैठो। क्या है? शरबत। मीठा है? मैं पी के देखो। बहुत खराब। अब इस शरबत में यही तो खास बात है, एक बोतल तक तो बहुत खराब मालूम होता है, उसके बाद जितना पियो सब मीठा ही मीठा है। और लो ये बात। हाँ तो लो। बालम। हाँ। एक काम है राजा। क्या करोगे? हाँ आओ। वो देखो राजा, वो जो मकान है वो दरख्त दिखाई देता है, उसके नीचे बड़ा भारी पत्थर है, उसको हटाओगे तो 2000 रुपए के नोट निकल आएंगे। राजा, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकता, मैं शहर में बहुत बदनाम हूँ, पुलिस मेरा पीछा करेगी। राजा, तुम मेरा इतना सा काम कर दोगे, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, फिर तुम अपने चंगू मंगू को भी छुड़ा लेना, किनारे को लेके अपने देश भी चले जाना। हाँ, तो करोगे? हाँ हाँ। तो जाओ, मैं भी आया, मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ, मैं आया। बहुत होशियारी से जाना, कोई देखने ना पाए।
तुम्हारा शरबत बहुत खराब है, मेरे पैर ऐसे ऐसे होते। ए, मेरा कुत्ता तो लाओ। देता हूँ यार, अरे कोई देखा दे। ये 500 है? हाँ, पूरे 500 है। अच्छा मैं अब जाता हूँ, मेरी किनारी मेरा रास्ता देखती होगी। ये रास्ता नहीं है। हेलो, तुम कब आए? किनारी 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 बाल, मैं बीमार हूँ। किनारी, तुम बीमार हो क्यों? इस देश की हवा नहीं अच्छी बालम। कुछ परवाह नहीं किनारी, हम लोग घर चल रहे हैं। कब? जल्दी। और चंगू मंगू? और चंगू मंगू भी। हम लोगों के पास रुपया कहाँ है? रुपया? जरा रुपया रुपया रुपया, मैं अभी जाके चंगू मंगू मोल लेता हूँ और अभी अपन घर चलते हैं। हाँ, घर जाएंगे। हाँ, जाएंगे। हाँ, अभी जाके चंगू मंगू को लेकर आओ। पालम, मैंने तुम्हारे जाने के बाद उसके वहाँ नौकरी की थी, वो मुझसे कहता था, मुझसे कहता था कि मुझसे प्रेम करो, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, उसको जरूर मानना। तू बेफिक्र रह, मैं भी उसकी खबर लेता हूँ, सर तोड़ ला लूंगा उसका, ना घबरा। अब आप कहाँ जा रहे हो लपके हुए? ओह गुरुजी, मैं तो तुम्हें ढूंढ ही रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे क्यों? तुम्हारी दावत करने के लिए। मेरी दावत? आखिर क्यों? ये देखो, ये देखो। ओह, इतने नोट, इतने रुपए। हमारे तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। उस्ताद, ये तो बताओ कि ये शराब कहाँ से थी? शराब नहीं गुरु, मैंने शराब नहीं पी, मैंने शरबत पिया, शरबत। आओ गुरु, मैं तुम्हें भी शरबत पिलाने चलता हूँ। अरे मुझे, अरे भाई मुझे। मगर नहीं गुरु, मैं पहले अपने चंगू मंगू मोड़ लूंगा और फिर बील जूते नैना के मारूंगा। लगाओ लगाओ। गुरु, मैं अपने चंगू मंगू मोल लेने जा रहा हूँ। हाँ, खरीदो, जरूर खरीदो। भाई अब मुझे तो नींद आ रही है, मैं जाता हूँ। जाओ जाओ जाओ, कुछ परवाह नहीं, बालम के पास 500 रुपए, अपने चंगू मंगू को लेकर, किनारी को लेकर मैं तेज जाऊंगा, लेकिन 20 जूते नैना के मारूंगा। जूते कुछ परवाह नहीं, बालम के पास 500 रुपए, ये देखो 500 रुपए। मुझे बचाओ, मुझे चंगू मंगू से डर लगता है, मैं इनको मोल न ले सका। अब क्या हुआ बालम,
खो गया। खो गया? हाँ खो गया। किनारी मुझे यहाँ पे जल्दी ले चलो, मैं चाहूँ मंगू को अपना मुंह नहीं दिखा सकूँ। भूखे ही सो रहे हैं, लो लो भूखे न सो, खाओ। किनारी अब क्या होगा? अब सिवा डार्लिंग के और कहीं से रुपया नहीं मिल सकता। किनारी वो तो बहुत बुरी औरत है, मुझसे लगन करना चाहती है। नहीं बालम, तुम भूल कर रहे हो, वो बहुत अच्छी औरत है। जब तुम जेल में थे तो उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सुलूक किया, नहीं तो मैं भूखों मर जाती। उसने मुझे दवा पिलाई, बेचारी तुमसे बहुत प्रेम करती है। झूठ बोलती है। नहीं बालम, झूठे और सच्चे आंसू मैं पहचान सकती हूँ। तुम उसे लगन कर लो। हैं? ये तुम कह रही हो किनारी? हाँ बालम, जैसा मेरा मन वैसा उसका। मगर मुझे तो उससे जरा सा भी प्रेम नहीं। वो तो हो जाएगा, देखो जब वो हमारे साथ हमारे देश चलेगी और मेरी तरह तुम्हारी सेवा करेगी फिर तुम्हें भी प्रेम। कभी नहीं, कभी नहीं, मैं उससे लगन नहीं करूंगा। बालम फिर रुपया नहीं मिल सकता, न चंगू मंगू मिल सकते हैं, न हम लोग घर जा सकते हैं, और मैं यहाँ मर जाऊंगी फिर क्या होगा? मैं चंगू मंगू के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। हम लोग चंगू मंगू नहीं लेंगे, यूं ही घर चलेंगे। ये क्या कह रहे हो बालम, तुम चंगू मंगू को यहाँ अकेला छोड़ जाओगे? नहीं नहीं नहीं। लो ये रुपए, जल्दी से जाकर अपने चंगू मंगू खरीद लो। बालम बालम, इतने रुपयों में हम लोग, मैं अपने चंगू मंगू के रेल में जा सकते हैं। चलते वक्त मुझे भी ले लेना, मगर देखो किसी को मालूम ना होने पाए। जाओ तुम लोग जाओ, देर मत करो, जाओ। चलो डार्लिंग, मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है। तो क्या तुम्हारा ये ख्याल था कि मैं अपने पिता के कातिल से मोहब्बत करूंगी? मुझे तुमसे, तुम्हारी सूरत से, तुम्हारी सोसाइटी से, तुम्हारे व्यापार और तुम्हारे धन से उतनी ही नफरत है जितनी तुम्हें सोने से मोहब्बत। और उस जंगली से? बेशक मैं उस जंगली को तुमसे हजार दर्जे बेहतर समझती हूँ। वो तुम जैसा दगाबाज, मक्कार और खूनी नहीं, वो सच्चा है। जो उसके दिल में है वही उसकी जबान पर। मैं उससे और उसके देश से प्रेम करती हूँ, मैं उसके साथ जाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हारा ख्याल गलत है, तुम नहीं जा सकती। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने तुम्हारे रूप में एक नागन पा ली है, मगर मैं उन लोगों में से नहीं जो अपनी हार जल्द मान लेते हैं। मैं तुम्हें एक मिनट में मार सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें मार डालने में मेरी हार है। मेरा मकसद तुम्हें मार डालना नहीं, बल्कि तुम्हें अपने काबू में लाना है, खुशी से या मजबूरी से। मैं अब भी इस जहरीली नागन को पालूंगा, आजाद रखकर नहीं, कैद में। डार्लिंग, देखो मुझे हार कभी नहीं होती। मेरी जिंदगी के सिर्फ दो मकसद हैं, एक सोना और दूसरी तुम, और सुखद दोनों ही मेरे कब्जे में हैं, सोना भी और तुम भी। जिस तरह सोना मेरी खुशी पर चलता है उसी तरह तुम्हें भी चलना होगा, वरना जिंदगी भर इस कमरे में कैद रहना होगा। डार्लिंग, मुझे बहुत अफसोस है कि अब तुम मेरी खुशी में हिस्सा ना ले सकोगी। मुझे करोड़ों रुपए का नफा होने वाला है, बाजार में किसी को नहीं मालूम कि लड़ाई शुरू होने वाली है,
ये रात मुझे मालूम है, मैंने अपना करोड़ों मन गेहूं बेचने का हुक्म भी दे दिया है, सारा बाजार उसे खरीदेगा और 15 दिन के बाद भीख मांगेगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट के भाव पर बेचना होगा और मुझे मुझे करोड़ों रुपए का नफा होगा, करोड़ों रुपए का सोना डार्लिंग, करोड़ों रुपए का सोना। भैया, ए भैया, जी साहब। भैया तुम मेरा एक काम कर सकते हो? क्या? मैं इसी वक्त तुम्हारी जन्म भर की तनख्वाह से ज्यादा तुम्हें दे दूंगी। मगर साहब पूंजी तो छेद के पास है, दरवाजा कैसे खुल सकेगा? मैं दरवाजा खोलने के लिए नहीं कह रही हूँ भैया। तो फिर क्या? ये लो, चुपके से जाकर दूसरे कमरे से टेलीफोन उठा लाओ, मैं अभी 5 मिनट में वापस कर लूंगी। ये लो, जाओ जल्दी लाओ जल्दी। हेलो मिस्टर राम जी, मैं डार्लिंग बात कर रही हूँ, मुझे वक्त बहुत कम है, आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखिए सेठ लक्ष्मीदास अपना गेहूं बेच रहे हैं, आप मार्केट में खबर कर दीजिए कि लवाई शुरू होने वाली है, गेहूं का भाव गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कोई गेहूं ना खरीदे बल्कि सब बेच डाले वरना तबाह हो जाएंगे। बराबर है? हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है। आओ किनारी, बेजमानों को मारने में बड़ा मजा आता था। स्टॉप कनेक्शंस। अब कोई सूरत नजर नहीं आती, बाजार का हाल रोज बरोज खराब होता जा रहा है, सब लोग गेहूं बेच रहे हैं, कोई अपना गेहूं नहीं खरीदता, लाखों का घाटा हो गया। तो क्या तुम ये समझते हो कि सेठ लक्ष्मीदास का दिवाला निकल गया? नहीं, तुमने हर बैंक से मेरा सोना निकाल लिया? जी हुजूर। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि वो सोना जो मैंने उम्र भर की मेहनत और मक्कारी के बाद जमा किया है इस घाटे में निकल जाएगा? हरगिज नहीं। हुजूर वो लोग जिनका आपको लाखों रुपया देना है सब बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। शर्माओं, सबको रुपया मिलेगा, वो मेरे भाई हैं, जिस तरह मैंने उनसे रुपया लिया है उसी तरह वो मुझसे वसूल करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखो सबके चेक मौजूद हैं। अगर ये ख्याल है तो बिल्कुल ठीक। शर्मा तमाम सोना मोटर में भरवा दो। लेकिन इतना सोना लेकर आप जाएंगे कहां? जहन्नम में, जल्दी करो। आप लोग समझ रहे होंगे कि सेठ लक्ष्मीदास का दिवाला निकल गया, आप ख्याल कर रहे होंगे कि मैं आपका रुपया नहीं अदा कर सकता, आपका ख्याल गलत है। लीजिए ये चेक बुक, आप सब लोगों के चेक इसमें मौजूद हैं। ठाकुर, ठाकुर इधर आओ, मकान में मट्टी का तेल छिड़क दो, करो बस, जो कहते हैं वो करो जल्दी। भैया ये लो तुम अपना इनाम, दरवाजे में ताला लगाओ, कोई बाहर नहीं जाने पाए। जी हुजूर। सेठ लक्ष्मीदास से रुपए लेकर निकल जाना आसान नहीं है। मैं कहता हूं जल्दी बाहर चलो। चलो मेरे साथ। हाँ
शर्मा, मेरा सब सुना आ गया? जी हाँ सब रखती। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बहुत खिदमत की। एक आखिरी खिदमत और है। कहिए। मोटर स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा। दूर के सफर को जा रहे हो और रोटी की कुछ फिक्र ही नहीं है? लो लो, अपने गुरु की तरफ से ये आखिरी तोहफा तो लेते जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? मालूम, मौत के मुंह। शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन मुझे कुछ परवाह नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम भी मेरे साथ हो और मेरा सोना भी। मुझे प्यास लगी है। मौत की राह में पानी नहीं मिलता। अरे कोई है? सिर्फ लक्ष्मीदास को पानी पिलाओ। डार्लिंग कोई नहीं सुनता। इस वक्त भी तुम मजाक कर सकती हो क्या? तुम्हें प्यास नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ फौरत, डार्लिंग कहाँ जा रहे हो? पानी की तलाश में। रास्ता और है। पानी मिला? नहीं। मौत की राह में पानी नहीं मिलता। चलते अब तुम्हारा गुरु ने कुछ खाना रख दिया तो देखो शायद इसमें पानी नहीं हो। पानी बालम मुझे खाया नहीं जा रहा है। क्यों? डार्लिंग बहुत याद आ रही है, जान पड़ता वो बहुत दुखी है। Thank you.
पानी दिलाऊं? पानी बालम, बालम पानी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं तुम्हारे पास पहुंच गई। मुझे अपने साथ कि आज ये तुम्हारा हजारों मन सोना तुमको एक टुकड़ा रोटी और एक चुल्लू पानी भी नहीं दिलवा सकता। जिस सोने का तुमने हजारों आदमियों का खून चूस चूस के जमा किया था, आज इसी सोने इस निर्दोष लड़की को जान से मार डाला और थोड़ी देर में तुमको भी मौत के घाट उतार देगा। आज तुम्हें मालूम होगा कि रोटी सोने से अच्छी चीज है। हरगिज नहीं, मैं अपनी रोटी के बदले में सोना किसी को नहीं दे सकता। जाओ, चले जाओ, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। एक तरफ मेरी डार्लिंग होगी और दूसरी तरफ मेरा सोना। जाओ, चले जाओ। बालम, चलो सेठ पागल हो गए। किनारी, सोने का भगवान सच्चे भगवान से बहुत ज्यादा ताकतवर है। न जाने इस बड़े संसार में कितने सेठ जैसे इसके पुजारी होंगे जो मरते समय भी अपने इस सुनहरी भगवान की पूजा करते होंगे। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। आओ किनारी, चलो। जाओ, जाओ। बनाता है किसी को गरीब। हमारा भगवान जो सबसे बात करता है, सबसे प्यार करता है और सबसे बड़ी बात की सबको खुशी खुशी रोटी देता है,